हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है प्राइम टॉक ग्रुप पर। तो आज हम वॉलपेपर बताऊंगा मैं आपको वॉलपेपर कैसे लगाते हैं। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें मैंने कुछ वॉलपेपर मंगाए थे अमेज़ॉन से, जो कि लाइटनिंग डील में मैंने 300 के मंगाए थे तीन। एक मैंने अलग लगाया है किचन में और एक मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो पहले जो भी जिस भी वॉल पे हमें लगाना है, जहाँ से भी वो डैमेज है, उसे ऐसे ही जो पत्ती मिलती हैं जो कि स्टील की रहती हैं ब्लेड्स, उससे आप इसे उतारेंगे पहले जो भी आपका डैमेज एरिया है। जैसे मैं उतार रहा हूँ ये, तो इस सारे डैमेज एरिया को, ये सारे जितना पेंट है जहाँ से भी आपको लगे, ये सब उतारेंगे। और अगर आपका लाइट कलर का है, काफ़ी बहुत ज़्यादा लाइट कलर का है आपका जो वॉलपेपर है, तो आपको ये डिज़ाइन जो बना हुआ है वो भी उतारना रहेगा, जो कि आप रेगमार जो आता है उससे उतार सकते हैं, मार्केट में मिल जाएगा इजीली आपको। तो ये सभी क्लीन करना है बिल्कुल, ताकि कुछ भी, क्योंकि आप जब वॉलपेपर लगाएंगे तो आपको इजीली दिखाई देगा, अगर कुछ भी डॉट भी रहेगा पीछे तो आराम से ऊपर दिखाई देगा आपको। तो इसलिए पहले बिल्कुल इसको रिमूव कर देना है जो भी एक्स्ट्रा है इस पर। तो इसके बाद ये पुट्टी मिलती है मार्केट से, आप ले सकते हैं, 30-40 रुपीस का पैकेट मिलता है। तो आप वॉल के अकॉर्डिंग, अपने जितना भी साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ये लेके आने आपको। तो ये मैं लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ज़्यादा लिक्विड किया हुआ है, ऐसी नहीं होती है, बिकॉज मुझे इसे सिर्फ जो डैमेज एरिया है उसी पर लगाना है। और ये सूख भी जल्दी जाएगी लिक्विड में, अगर मैं थिक करता हूँ तो वो ज़्यादा सूखेगी नहीं जल्दी से, तो इसीलिए। तो इसको पूरे एरिया को मुझे कवर कर देना है, कहीं पे भी थोड़ा भी डैमेज नहीं रहेगा, वो फिल हो जाएगा, ताकि वॉलपेपर इजीली इसके ऊपर चिपक जाए, क्योंकि वो स्टिकर टाइप में होते हैं जो वॉलपेपर आते हैं, तो उसको चिपकाने के लिए पीछे बेस है वो क्लीन होना चाहिए आपका। इसीलिए मैं पुट्टी लगा रहा हूँ पहले, तो पूरे वॉल पर पहले पुट्टी कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, पुट्टी हो गई है, जो कंप्लीट हो गई है ये। तो अब इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए आप, ये पूरा सूख गया है एरिया भी, जहाँ जहाँ पर मैंने लगाई थी। तो अब ये रेडी है वॉलपेपर लगाने के लिए, तो इस पर वॉलपेपर लगाएंगे। आपको दिखाऊंगा मैं कैसे वॉलपेपर के लिए, अगर आपके पास कोई फॉर्म है तो फॉर्म ले लें, ताकि इसको, ये देखिए इस तरह से आप इसको स्टिकर की तरह रहता है, स्टिकर की तरह पीछे से वो निकालेंगे, जो रफ पेपर रहता है उसको निकालेंगे और इसको ऐसे लगाते रहेंगे, एक एक करके सभी लगा देंगे। ये देखिए ऐसे लगाना है आपको इसे। तो क्योंकि मेरे में ऑलरेडी पर्पल कलर ही है और पीछे भी बैकग्राउंड में पर्पल कलर ही है, तो कोई ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं आएगा और डिज़ाइन का भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा वाइट नहीं है तो नहीं दिखेगा। बट अगर आपके पीछे डार्क कलर का कोई डिज़ाइन और आप वाइट कलर का लगाने की सोचें, तो वो आपको ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और वो ऊपर ही दिखाई देगा जो पीछे का बैकग्राउंड का डिज़ाइन है। तो उसे पहले आपको रिमूव करना होगा, जैसे मेरे में अगर आप देख रहे हैं तो बैकग्राउंड में ऑलरेडी डिज़ाइन है, मैं उसी के ऊपर लगा रहा हूँ। तो बिकॉज मेरे में ज़्यादा वाइट कलर नहीं है तो वो ज़्यादा नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत ही रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगेगा, नॉर्मल दिखेगा वो। तो ये पूरा लगा दिया मैंने, देखिए फॉर्म से मैं से जो बबल्स हैं वो निकाल रहा हूँ। तो ऐसे आप कटर से कट करके ये पूरा लगा दिया है मैंने, ये ऐसे फॉर्म से आप इसके बबल्स जो रह जाते हैं वो निकाल सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट पूरा लग गया है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा लगा है, तो आप बताइएगा एक बार। ये पूरा लगा दिया मैंने, और उससे पहले जिस वॉल पे आपको लगाना, अगर कोई लगा हुआ है एलईडी वगैरह कुछ भी लगा हुआ है, तो उसको रिमूव कीजिए, क्योंकि इस वॉल पे भी एलईडी लगा हुआ था, मैंने पहले उसको रिमूव किया। होल्स देख सकते हैं आप उसमें, दोबारा कर दिया मैंने। तो ये मेरा पूरा वॉलपेपर जो मैंने लगाया है ऐसा।